अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए शाशलिक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। स्पेशली सर्दियों में सब इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सा शाशलिक बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलें ये यम्मी सा शाशलिक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वेसल ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे और उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे। अब मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, जिसको इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। फ्राई करेंगे इसको। प्याज को हमें लाइट पिंक कलर देना है। मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज फ्राई हो गई है, बस इतना ही इन्हें कलर देना है। अब मैंने 600 ग्राम चिकन ले लिए, ये इसमें शामिल कर देंगे। फ्राई करेंगे इसे। चिकन के कलर चेंज होने तक हमें इसे मीडियम टू हाई हीट पर फ्राई कर लेना है। हमने चिकन को इतना फ्राई किया है कि इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम अदरक लहसुन पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। साथ ही मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा लिया और 1 टीस्पून साबुत जीरा, ये इसमें शामिल कर देंगे। कुछ मैंने लौंग लिए हैं, 3 लौंग लिए हैं और कुछ काली मिर्चें ली हैं, ये भी इसमें डाल देंगे। फ्राई करेंगे इसके साथ। दो तीन मिनट फ्राई करेंगे। अब मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। मिक्स करेंगे और इसको इसके साथ फ्राई करेंगे। तकरीबन 2-3 मिनट हमें इसके साथ फ्राई करना। सारे मसाले डालने के बाद हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक इसे फ्राई किया है। अब हम इसे इसमें तकरीबन 5 से 6 ग्लास पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 7-8 ग्लास मैंने इसमें पानी के शामिल कर दिए। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। हीट मैंने हाई रखी हुई है, इसको कवर कर देंगे और एक उबाल आने देंगे इसमें। यखनी में उबाल आ चुका है, अब हम फ्लेम लो कर देंगे। लो हीट पर अब हम इसको कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पका लेंगे। हीट में आपको दिखा देती हूँ कि हमें इतनी हीट रखनी है। कवर कर दिया है और 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको लो हीट पर पकाएंगे। यखनी को हमने कवर करके हल्की आंच पर तकरीबन 2 घंटे तक पकाया था। अब यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे इसका और इसको छान लेंगे। 1.5 घंटा यखनी को पकते हुए हो चुका है। दूसरी तरफ हमने एक फ्रैंक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिए और उसमें
एक टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब मैंने ये गाजर ले लिए तकरीबन एक प्याली से थोड़ी ज़्यादा है, इनको इस तरह से जूलियन स्टाइल में कट कर लिया है, तो फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पर। दो मिनट हमने इसको फ्राई किया। अब मैंने ये हरे पत्ते की प्याज का वाइट पोर्शन ले लिया एक प्याली, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको जो फ्राई करेंगे तकरीबन एक दो मिनट। दो मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने ये एक प्याली शिमला मिर्च ली है, इसको भी इस तरह से काट लिया है लंबाई में, ये इसमें शामिल कर देंगे, फ्राई करेंगे। साथ ही 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और उसके साथ एक दो मिनट फ्राई करेंगे। सारे वेजिटेबल्स को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई किया। अब ये फ्राई हो चुकी हैं, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और उसे फिलहाल साइड पर करेंगे। यखनी को हमने छान दिया है। अब हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। एक कप मैंने हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। फ्राइड वेजिटेबल्स डालकर हमने तकरीबन 10 मिनट इसको पकाया, इसमें उबाल आ चुका है। अब मैंने एक कप कॉर्नफ्लोर ले लिए, इसको हम पानी में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इसको पानी में मिक्स कर लेंगे। हमने एक कप कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लिया। अब हम इसको इसमें सूप में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, चम्मच चलाते रहना। एक कप कॉर्नफ्लोर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ कप कॉर्नफ्लोर और इसमें पानी में शामिल करके मिक्स कर दिया है। कॉर्नफ्लोर हमेशा हम उस टाइम पर शामिल करते हैं जब यखनी में उबाल आ रहा होता है, और चम्मच चलाते रहते हैं कंटिन्यूसली। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी जितना आप ठीक रखना चाहें अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही हमने जो चिकन बॉयल करके निकाल ली थी यखनी में से, उसको हमने श्रेड कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून काले मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे इसमें, साथ ही 1 चिकन क्यूब शामिल कर देंगे इसमें। 2 टीस्पून हमने चिकन पाउडर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी हुई है। साथ ही हम इसमें 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे, 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इसको। 6 मैंने अंडे लिए थे जिनको मैंने बॉयल करके इस तरह से काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद तकरीबन हमने आधा घंटा इसको मीडियम टू लो हीट पर पकाया है, काफ़ी थिक हो चुका है ये, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं, अगर चाहें तो इससे भी ज़्यादा थिक रख सकते हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे।
अब हमने एक अलग वेसल ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिए और उसमें हाफ कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, मैंने 2 टेबल स्पून तकरीबन लहसुन लिया है जिसको चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसको तकरीबन आधा मिनट के करीब हमें इसको फ्राई करना है हल्की आंच पे। जब खुशबू आने लगेगी तो मैंने ये चावल लिए हैं जिनको मैंने 2 कप चावल लिए थे जिनको भिगोकर बॉईल कर लिया है, ये बॉईल्ड राइस हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। अब हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हरे पत्तों की प्याज शामिल कर देंगे, इसका ग्रीन पोर्शन। मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। वन टेबल स्पून नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। वन टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे, 2-3 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। हीट हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हैं, अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। तैयार है हमारा बहुत ही यमी सा शाशलिक। सर्दियों में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है जो आज मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।